हेलो गाइस, दिस इज सरबजीत सिंह एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल फ्री वीज़ा एडवाइज़र। दोस्तों, जैसे जैसे ये साल एंड की तरफ जा रहा है, कनाडा की तरफ से नई नई जो अपडेट्स और अनाउंसमेंट आ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि क्योंकि बहुत सारे टारगेट हैं जो कनाडा को अचीव करने हैं विद इन दिस ईयर, और इस दौरान इतनी एक्साइटिंग न्यूज़ जो मिल रही है वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कनाडा में हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा एक स्लॉट है जो अभी तक भरा जाना है, और अभी उसकी जो लास्ट डेट थी 5 नवंबर थी। और ये वो न्यूज़ है, TR2PR पाथवे क्लोजिंग November 5th, यानी कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंट्स का जो पाथवे है क्लोजिंग होने जा रहा है 5 नवंबर। सो जिन लोगों को टेम्परेरी रेजिडेंस से परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट करना था अपने आप को, तो उसके लिए ये देखिए, द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर द टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवे विल बी एक्सटेंडेड। द कनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट कन्फर्म दैट इनटेक विल क्लोज ऑन 5th November। न्यू एप्लीकेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बट दोज हु प्रीवियसली अप्लाइड विल still be able to sign into the online portal and view their submission. Originally launched May 6th, the TR2PR program was created to provide immigration option, essential worker, international students, graduates and French speakers. So, दोस्तों, ये news जो है बहुत important news है। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री, नो न्यूज़ फ्रॉम IRCC ऑन व्हेन इट विल इनवाइट FSWP फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम जो है, अभी इसके ऊपर कोई भी खुलासा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जैसे ही 2022 शुरू होगा तो इसमें एक बूम आएगा, और इसके अंदर अचानक से ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेंगे, और ये एकदम से भी स्टार्ट हो सकता है। विद जस्ट 2 months रिमेनिंग इन द ईयर, इट रिमेन्स अनसर्टेन इफ IRCC विल रिज्यूम इन्विटेशंस टू FSWP कैंडिडेट प्रोग्राम। दोस्तों, हर साल FSWP प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत तादाद में लोग जो हैं अप्लाई करते हैं, और लेकिन अब की बार क्योंकि अभी 2021 के जाने के सिर्फ 2 महीने रह गए, और अभी तक IRCC ने इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन FSWP प्रोग्राम के तहत जो लोग अप्लाई करते हैं या जिन लोगों को उम्मीद है, उन लोगों को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, और जल्दी ही जल्दी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिसीजन आएगा, क्योंकि इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा जो है IRCC, उसकी एसोसिएटिव मीटिंग हो चुकी है और बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं जो अभी तक रिवील नहीं किया गया, तो वो बहुत जल्दी ही रिवील होने के चांसेस हैं कि FSW प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर मूव हो सकते हैं, इमिग्रेट हो सकते हैं। तीसरी जो खबर है, कनाडा वेलकम हिस्टोरिकल 45,000 न्यू इमिग्रेंट्स। कनाडा ने 45,000 न्यू इमिग्रेंट्स का जो आंकड़ा सितंबर महीने के अंदर जो कवर किया था, इस ये अपने आप में एक एग्जांपल है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि कनाडा अभी बहुत जल्दी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर 45,000 इमिग्रेंट उन्होंने सितंबर महीने में बुलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में ये है कि बहुत सारे नए डिसीजन जो है फेवर में आने वाले हैं, जो हम लोगों के फेवर में आएंगे, और हम लोग जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड है, चाहे वो नया अपडेट के बारे में है, या नई चीज़ की एप्लीकेशन के बारे में है, हर चीज़ के अंदर बहुत सारा एक बूम आने वाला है, और ये लग रहा है कि ऐसा IRCC बहुत बड़ा धमाका करेगा, और इस दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े लेवल पर जो है ये चीज़ें एकदम से रिवील होंगी, और उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों को कनाडा के अंदर शिफ्ट होने का या कनाडा में जाने का मौका मिलेगा। जिस दिन से सीन फ्रेजर इमिग्रेंट मिनिस्टर बने हैं, उस दिन से ही पॉजिटिविटी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी बाहर निकल कर आ रही है, प्रोसेसिंग तेज हो रही है, इमिग्रेंट का जो है ना दायरा बढ़ा है, और अभी आप लोगों को और भी बहुत खुशखबरियाँ मिलने को है, क्योंकि 2022 बहुत अच्छे तरीके से रिवील किया जा रहा है, और आई होप कि आप लोगों को आज का न्यूज़ समझ आया होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं कनाडा के लिए, यूरोप के लिए, US के लिए, और अगर यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो फ्री वीज़ा एडवाइज़र इज़ ऑलवेज़ वेलकम टू यू। और इसके साथ साथ
हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं किसी कारणवश वो स्टडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाते पूरे तरीके से, क्योंकि उनको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है और पुराने इन्वायरमेंट से नए इन्वायरमेंट के अंदर एक एडजस्टमेंट करने में उनको टाइम लग जाता है, जिसके कारण वो अपनी क्लासेस और अपनी असाइनमेंट्स नहीं कर पाते। तो हम असाइनमेंट्स का काम भी अभी शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी असाइनमेंट्स हमने बनाई हैं और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। अगर आप असाइनमेंट्स चाहते हैं तो आप असाइनमेंट्स के लिए भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर जो है असाइनमेंट्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं बनाने के लिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट लेवल पर या कहीं भी किसी भी ट्रैवलर लेवल पर अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो फ्री वीज़ा एडवाइज़र इज़ ऑलवेज़ रेडी। और हमारे जो कॉस्ट होते हैं बिल्कुल नॉमिनल से कॉस्ट रखे हैं, हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा एक मार्जिन नहीं रखा। और एक और बात कहना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट रूट से अभी बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि अभी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कौन सा रूट चुनना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है कि डायरेक्ट रूट इस समय बहुत ही बड़े लेवल पर जा रहा है, बहुत ही कॉस्टली जा रहा है, और आपको इनडायरेक्ट रूट बहुत सस्ता पड़ जाता है। और हम लोग उसके अंदर एक्सपर्टाइज बन चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने में हमने 500 का आंकड़ा क्रॉस किया और 500 स्टूडेंट्स हमने भेजे हैं और बहुत अच्छे तरीके से गए हैं, कोई कंप्लेन भी नहीं आई है। तो हम आप लोगों के लिए ये भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और नई अपडेट के लिए बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगा। सब्सक्राइब जो आपने किया है उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।